नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे आज ये बात करूंगा HDFC बैंक के जेम्बो लोन के बारे में और इंस्टा लोन के बारे में। दोस्तों हमारे पास कुछ सवाल आते हैं, कुछ कमेंट आते हैं और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जेम्बो लोन और इंस्टा लोन दोनों होता क्या है और कैसे मिलता है, इसका बिल जो है कैसे बन के आता है, बहुत से लोग पूछते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको लोन मिलता है मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जेम्बो लोन होता है, ये जेम्बो लोन जो है आपको जब क्रेडिट कार्ड आप लोगे HDFC बैंक का तभी ये आपको मिलता है, वैसे आपको ये नहीं मिल सकता है। और जो इंस्टा लोन होता है ये भी आपको क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ही मिलता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे दोस्तों कि मुझे इंस्टा लोन HDFC बैंक ने दिया है, अब देखो जैसे मैंने इंस्टा लोन पे क्लिक किया तो देखो मेरे सामने यहाँ पे कार्ड नंबर सिलेक्ट करके बोला जा रहा है कंटिन्यू करने के लिए। देखो मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो है इंस्टा लोन का ऑफर शो कर रहा है 38,000 रूपए का। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10,000 रूपए के लिए अप्लाई करता हूँ, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, अप्लाई मुझे लेना नहीं है, मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा और पूरी जानकारी बताऊंगा, आप वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पे मैंने 10,000 रूपया भर दिया है। अब क्या है कि अब मुझे यहाँ पे चूज करने के लिए बोला जा रहा है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और मंथ। तो मैं यहाँ पे पहले मंथ चूज कर लेता हूँ, फिर मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम पड़ेगा। तो कोई यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अगर 12 मंथ के लिए लेते हो तो आपको 21% आपको इंटरेस्ट लगेगा, 24 मंथ के लिए 20%, 36 मंथ के लिए 21%। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट लगाए भी हैं, 24 मंथ के लिए 20% और कुछ पॉइंट और इसमें एडजस्ट किए हैं, तो इस तरीके से इनका इंटरेस्ट है। ऐसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे 12 मंथ अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा कितना EMI बनता है थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने पर्पस सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद यहाँ पे मुझे ये बोला जा रहा है कि आप इसको कैसे लेना चाहते हो, तो मैं इसको SMS क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करके और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा तो मेरे सामने मेरा EMI शो करे कितना EMI मेरा बनेगा। चलो मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। देखो मैंने कंटिन्यू किया है तो ये बोल रहे हैं कि आपका 931.14 रूपए का आपका EMI बनेगा 12 मंथ के लिए। चलिए थोड़ा मैं जोड़ता हूँ कितना पैसा ये मुझे पड़ता है, जस्ट वेट। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर कर लिया है, आप लोग देख सकते हो 11,173.68 रूपए बता रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट जो है देना पड़ेगा एक साल में 10,000 के पीछे 1,173.68 रूपए मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से अगर आप किसी ऐप से लोन लेते हो तो ज्यादा लेते हैं, वैसे ज्यादा नहीं है, अगर मिलता है तो ज्यादा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए थोड़ा मैं आपको और बताता हूँ, जस्ट वेट। तो हो यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है 21% लगाया, 21 लगाया है, तो एक हिसाब से सही है, अगर इमरजेंसी के लिए सही है, वैसे थोड़ा ज्यादा भी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब यहीं पे मैं अगर जेम्बो लोन की बात करूंगा थोड़ा मैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, जस्ट वेट। दोस्तों अब मैं यहाँ पे अगर मैं इंस्टा जेम्बो लोन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे ऑफर नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने क्लिक किया, कार्ड का नंबर सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि जैसे आपको ऑफर आएगा हम आपको जो है ईमेल और नोटिफिकेशन भेज देंगे, तो यहाँ पे साफ साफ ये बोल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं अब जेम्बो लोन के बारे में, तो जो जेम्बो लोन होता है ये आपको क्रेडिट कार्ड से कोई मतलब इसका नहीं होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको अलग से मिलता है। दोस्तों इसमें क्या है कि इंस्टा लोन में आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ब्लॉक कर देते हैं और जेम्बो लोन में आपको ये अलग से बैंक लोन देता है। इसे कार्ड का जो नंबर होता है 16 अंक का नंबर होता है, जब आपका बिल जनरेट होगा आपके क्रेडिट कार्ड का तो उसका भी साथ में आता है, बट इसका जो 16 अंक का नंबर अलग होता है, बाकी सेम प्रोसेस रहता है। बाकी जो है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको 18% से लेके 19% तक आपका रहता है, वो भी आपके सिविल स्कोर और सीटी आपका व्यवहार देख कर ही बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाता है। सबका अलग अलग क्रिटेरिया रहता है, अलग अलग सिविल स्कोर और पॉलिसी के ऊपर।
तो यहाँ पे क्या होता है, जो जेम्बो लोन होता है ये बैंक सबको नहीं देता है, बैंक अपने खास खास कस्टमर को देता है। और आप अगर HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाए हो, टाइम पर बिल पेमेंट कर रहे हो और आपका सिटी अगर सब कुछ मेंटेन है, अगर आप बड़े सिटी से हो तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, सब कुछ एकदम ओके है, तो आपको ये जेम्बो लोन देते हैं बिना किसी दिक्कत का। थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लगता है, ऐसा नहीं है, बाकी समझ जाओ कि कम ही रहता है एक प्रकार से। तो एक प्रकार का आप समझ लो पर्सनल लोन हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक में क्या होता है, कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपको लोन मिलता है तो उसमें दोस्तों आपको कार्ड पे, अगर मान लो आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 70,000 रूपए है, अगर मान लो कोटक महिंद्रा बैंक ने आपको 20,000 रूपए का लोन दे दिया, फिर आप एक कार्ड पे वहाँ पे 90,000 कर देंगे, फिर जब आपका पहला किस्त पूरा होगा लोन का तो वो ऑटोमेटिक आपका कम होता रहेगा, ऐसा मैसेज आपस आता रहता है। बट HDFC बैंक में ऐसा नहीं होता है, इसका पॉलिसी थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि आपके कार्ड से कोई मतलब नहीं रहेगा, बट जो लिमिट आपका रहेगा, जो आपका बिल जनरेट होगा, सेम उसी डेट पे रहेगा इसका भी, बस थोड़ा प्रोसेस में अलग रहता है। तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं और नुकसान नहीं है, सबको नहीं मिलता है। अगर आपको जेम्बो लोन लेना है तो इसके लिए मैं आपको अपना एक पर्सनल सलाह दूंगा, आप लोग टाइम पर बिल पेमेंट करो और अच्छे से बैंक से व्यवहार बनाओ, आपको जरूर मिलेगा। सबको नहीं मिलता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, खास खास कस्टमर को मिलता है जो लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो यही इसका रूल और पॉलिसी है जेम्बो लोन के बारे में। एक प्रकार का पर्सनल लोन होता है और जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है उसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। शायद मैं आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ, इसके बारे में कुछ भी छूट गया है आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए आए हो तो बेल आइकन को ऑन करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे संग बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।